मेरा जो ड्राइवर है अगर वो अमीर हो जाए तो फिर मेरी गाड़ी ड्राइव कौन करेगा मेरा माली अगर मेरे जितना पैसा कमा ले तो फिर वो मेरे लॉन की केयर क्यों करेगा और मेरी काम वाली को देख लें अगर उसके पास पैसा आ जाए तो फिर मेरा बैंगलोर कौन साफ करेगा आप आ, नहीं मैं तो गरीब नहीं हूँ मैं तो मिडिल क्लास हूँ अच्छा ये बताएं कौन से मिडिल क्लास हैं आप अपर या लोअर हाउ डू आई नो इट्स वेरी सिंपल आंसर सम क्वेश्चंस फॉर मी ठीक है okay. ये बताएं कि जब आपका साबुन खत्म होने वाला होता है तो क्या आप उसको फेंक के नया साबुन यूज करते हैं या फिर नए वाले के साथ चिपका के इस्तेमाल करते हैं वेल कॉमन सेंस तो यही कहती, चिपका कर काम चला लिया जाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपका क्या कहते हैं शैंपू खत्म हो जाता है तो फिर आप उसकी बोतल में पानी डाल के इस्तेमाल करते हैं या नया शैंपू ले आते हैं कॉमन सेंस तो यही कहती है कि हिला के इस्तेमाल कर लिया जाए <laughs> शैम्पू ओके 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 तीसरा सवाल फाइनल क्वेश्चन फॉर माय एनालिसिस ये बताइएगा कि जब आपका टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो क्या आप उसकी ट्यूब पे बेलन मल मल के उसको आखिरी कतरे तक निकालते हैं या फिर नया टूथपेस्ट लेकर आते हैं वेल well, मैं तो आखिरी कतरे तक जंग लड़ता हूँ <laughs> वॉल इसका मतलब आप तो फिर लोअर मिडिल क्लास है वॉट आई मीन ना आपने मुझसे मेरा बैंक बैलेंस पूछा है ना आपने मुझसे मेरे घर का पूछा है अपना है या किराए का है ना घर गाड़ी का पूछा आपने मेरी बाथरूम की चीजों की यूजेस की बेस पे मुझे लोअर मिडिल क्लास बोल दिया ऑब्वियसली सी गुरबत इज अ स्टेट ऑफ माइंड यू नो व्हाट मेक्स यू पुअर एंड व्हाट मेक्स मी रिच एटीट्यूड मैन ये सब सोच का कमाल है आपका स्टेटस आपकी सोच से डिफाइन होता है तो अगर गरीब लोग अपनी सोच अमीरों जैसी कर लें तो क्या वो फिर अमीर हो सकते हैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हम अब एक गधा है वो कहे कि मैं आज से शेर हूं क्या वो शेर बन जाएगा और क्या आप उसको शेर मान लेंगे प्लीज डू नॉट ड्रैकटिक्स आप जस्ट आंसर माई डेम क्वेश्चन कॉमन सेंस तो यही कहती है कि नो no, मैं उसको शेर नहीं मानूंगा गद्दे को शेर कौन मानेगा देर यू गो सी यू कैन ओनली फूल योर सेल्फ देट यूर रिच यू नॉट एक्चुअली रिच ओके बेटरी uh, uh, आजकल हर कोई मुल्क से भागने की फिराक में है जिसको को मौका मिला है, है कोई अपॉर्चुनिटी है, है आपके पास तो वो डुबल नेशनलिटी होगी ना ऑफकोर्स ये भी कोई पूछने का सवाल है Yes तो आप पाकिस्तान में क्या कर रही हैं आप मुल्क से बाहर क्यों नहीं जा रहे फर्स्ट ऑफ ऑल उमर पाकिस्तान पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो एक अमीर आदमी नहीं ले सकता यू कैन बाई प्रॉपर्टी यू कैन बाई पावर पोजिशन लॉ और सबसे जरूरी चीज है टाइम अ पुअर मैं टाइम तो आप गरीबों का टाइम भी खरीद लेती हैं। डेफिनेटली मेरी बात सुने अब एक ट्रायल हो गरीब बंदे के लिए वो टू टू थ्री डेकेट चलेगी पर एक अमीर बंदा पैसा फेंकता है उसके लिए ट्रायल शॉर्ट हो जाती है अच्छा एक बात बताइए कि अगर आप को किसी गरीब आदमी से प्यार हो जाए जस्ट जस्ट इन केस तो क्या आप उससे शादी करेंगे मतलब तो प्यार तो अंधा होता है ना <laughs> उमर प्यार पिछले जमाने में अंधा था टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है अब प्यार को कोई डिसेबिलिटीज नहीं है ना प्यार अंधा है ना प्यार लूला है ना लंगड़ा है ना प्यार को डायबिटीज और ना प्यार को हाइपर है और प्यार अब देख के होता है ठीक है प्यार करने से पहले देखा जाता है उसका स्टेटस क्या है उसकी इनकम क्या है उसकी फैमिली क्या है नस्ल सब कुछ देखना होता है प्यार करने से पहले देखिए मेरी बात सुनिए अगर आपको ऐसी कोई उम्मीद है ना तो प्लीज उसको दिल से निकाल दीजिए फोकस ऑन योर पुप्पी की बेटी एक्चुअली uh, well, मेरी पप्पू की बेटी भी काफी अमीर है <laughs> <laughs> तो फिर अपनी औकात पर तोज्जो दें